किसी भी कंपनी के लिए उसका लोगो उसकी आइडेंटिटी होती है। कस्टमर लोगो देखते ही समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है। जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स का हाफ एप्पल, मैकडॉनल्ड का एम, ऑडी के चार रिंग्स और रोल्स रॉयस का डबल आर उनकी पहचान है। इन लोगो से कस्टमर को ओरिजिनल और फेक प्रोडक्ट के बीच का फर्क इजीली समझ आ जाता है। साथ ही ये लोगो कंपनी को मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी कंपनी के लिए यूनिक लोगोस डिजाइन कराते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कंपनीज ये लोगो बनवाने पर कितना खर्च करती है? लोगो एक सिंगल डिजाइन है जिसे देखकर लगता है कि इस पर कितने ही पैसे खर्च हुए होंगे, लेकिन मार्केट में लाखों ब्रांड्स एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। इसलिए कंपनी अपने लोगो का डिजाइन ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक रखती है, ताकि वो डिजाइन किसी और कंपनी के लोगो से मैच ना करे। इसीलिए कंपनी लोगो डिजाइन पर एक से लेकर $10,00,000 तक खर्च करने को तैयार रहती है। फेमस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड पेप्सी ने साल 2008 में अपने लोगो को रीडिजाइन करवाया था, जिसके लिए कंपनी ने $1,00,000 खर्च किए, जिसे फेमस लोगो डिजाइन कंपनी आर्नेल ग्रुप ने डिजाइन किया था। बात अगर वर्ल्ड के 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी लोगोस की करें, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर सॉफ्टवेयर कंपनी सिमेंटेक का लोगो है। इस कंपनी का ओरिजिनल नेम सिमेंटेक एंटीवायरस था, जिसे चेंज करके सिमेंटेक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कर दिया। कंपनी के ओनर चाहते थे कि उनका लोगो न केवल अच्छा हो, बल्कि वो अच्छा बिजनेस भी क्रिएट करे, जिस वजह से उन्होंने सिमेंटेक के लोगो डिजाइनिंग पर $1.3 बिलियन खर्च किए। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश पेट्रोलियम का फ्लावर लोगो है, जिस पर कंपनी ने $21 मिलियन खर्च किए थे। ग्रीन येलो कलर का ये यूनिक फ्लावर कंपनी की एनवायरमेंटली फ्रेंडली इमेज को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। तीसरे नंबर पर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी BBC का लोगो है। कंपनी ने साल 2021 में अपने लोगो को रीडिजाइन करवाया था, जिस पर करीबन $2 मिलियन खर्च हुए थे। इसके अलावा फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव लोगो 2012 लंदन ओलंपिक्स का है, जिसे डिजाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने $6 लाख खर्च किए थे। इसे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों में यूज किया गया था। फिफ्थ नंबर पर है मेलबोर्न सिटी का लोगो। 2009 में ऑस्ट्रेलिया की फेमस सिटी मेलबोर्न को वाइब्रेंट, फैशनेबल और मॉडर्न दिखाने के लिए इसके न्यू लोगो को ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ सिंगल M से डिजाइन किया गया था, जिसके लिए $1.5 लाख खर्च किए थे। इन एक्सपेंसिव लोगोस की कॉस्ट जानने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि बड़ा ब्रांड बनाने के लिए लोगो पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूनिक लोगो कंपनी की आइडेंटिटी और ब्रांडिंग का काम तो कर सकता है, पर एक्सपेंसिव लोगो का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस भी जनरेट कर सकता है। वहीं कई ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनका मार्केट साइज ट्रिलियंस में है, लेकिन उन्होंने अपने लोगो पर ना के बराबर पैसे खर्च किए हैं। जैसे फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लोगो को सिर्फ $15 में तैयार किया गया था। वहीं फेमस शू कंपनी नाइकी ने अपने लोगो को 1971 में सिर्फ $35 में बनवाया था, पर आज इस लोगो की वैल्यू करोड़ों में है। यही कारण है कि बाद में कंपनी ने नाइकी के लोगो को डिजाइन करने वाले डिजाइनर कैरोलिन डेविडसन को अपने कंपनी में 500 शेयर्स गिफ्ट किए, जिनकी वैल्यू आज $6 लाख है। पर नाइकी और ट्विटर के लोगो की मेकिंग कॉस्ट से ज्यादा शॉकिंग कोका कोला और गूगल की लोगो कॉस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों कंपनीज ने अपने लोगोस पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। कोका कोला का लोगो 1885 में एक बुककीपर जॉन पेम्बर्टन और फ्रैंक मैसन रॉबिन्सन ने बनाया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया था। वहीं गूगल के ओरिजिनल लोगो पर जीरो कॉस्ट खर्च हुई थी, क्योंकि गूगल के फाउंडर सर्जी ब्रिन ने खुद लोगो डिजाइन किया था। हालांकि दोनों ही कंपनीज ने अपने लोगोस को रीडिजाइन करवाया है, पर इससे ये जरूर साबित हो जाता है कि कंपनीज की ब्रांडिंग के लिए लोगो इम्पोर्टेंट तो है, पर सिर्फ लोगो से कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होती। आपको क्या लगता है, ब्रांड्स का अपने लोगोस पर इतने पैसे खर्च करना सही है? कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।